सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में जेएमएम और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। भाजपा नेताओं ने कहा, सांसद गीता कौड़ा के विकास कार्यों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने 70 वर्षों का दे हिसाब। महिला के अपमान का जनता चुनाव में देगी करारा जवाब। पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा के द्वारा भाजपा प्रत्याशी गीता कौड़ पर दिए गए बयान पर भाजपा ने पुरजोर विरोध जताया है। भाजपा प्रत्याशी सह सांसद गीता कौड़ा के कार्यकाल हिसाब मांगे जाने के बयान के बाद आज भाजपा के नेताओं ने चक्रधरपुर के चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चक्रधरपुर विधानसभा भाजपा कोर कमेटी के प्रभारी भूषण पाठ पिंगुआ की उपस्थिति में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कोर कमेटी के संयोजक सुरेश साव, पूर्व विधायक शशिभूषण सामट, भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगाड़ी, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के कार्य समिति सदस्य मालती गिलुआ, जिला मंत्री अशोक दास मौजूद थे। अब आइए देखते हैं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने क्या कुछ कहा। बोल रहा है कि मैंने यहाँ आदिवासी कैंडिडेट आज मंत्री, चार बार मंत्री बनी है, उसे जनता पूछ रहा आपने क्या काम किए। चार साल मंत्री काल में आप कितना गांव पे आए हैं, कितने लोगों को आपने काम किए। आप लोग देखे थे कि एक साल का अंतर्गत में जब डीसी जा रहे थे उनका मनहरपुर, आप लोग देखे ट्रैक्टर में मैंने नदी में पार हो गया है, खड़ा होकर के ट्रैक्टर में और मैंने ट्रैक्टर में पार हुआ है। तो ये क्या विकास किया है? आज देखिए कई भी आंगनबाड़ी देखिए, कई आंगनबाड़ी अभी टूट के एकदम पड़ा हुआ है, अभी तो बन नहीं रहा है। क्या ये हमारा युवा मैडम चार बार मंत्री बनी है, कल्याण मंत्री, तो उनको क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कितना गांव जाती है? इसीलिए इनका कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ मंत्री बन के रह गई है। इसीलिए पब्लिक इनको अभी पूछ रहा है कि आप क्या काम किए, या आप आइए हमको जब बताइए कि आपने क्या काम। आज जो हमारा पूर्व विधायक भूगुंगा जी बोल रहे हैं 25 साल का हिसाब, तो आज आपके साथ में युवा मैडम फर्स्ट मैंने एमएलए बनी थी, और उसके बाद जब भी बनी चार साल मंत्री बनी, उनसे कहीं नहीं पूछ रहे कि आपने कितना काम किए। अब उनसे पूछिए ना कि आपने चार बार ये मंत्री बनी तो आपने कितना काम किए, कौन इलाका का विकास किए वो बताए। ये तो अपना जब ये तो अभी एक साल पाँच साल हो रहा है, ये पाँच साल भी नहीं हुआ है। अभी वो ये अभी यहाँ का संसद बनी है, और संसद काल में आप सभी लोग जानते हैं दो साल ढाई साल मतलब कोरोना काल हुआ, ना आप निकल पाए ना और कोई निकल पाए घर से, उसी के साथ में बात करने की तक बंद हो गया, और उस हालत में क्या काम करेगी। और जितने चार साल मैंने चार बार मंत्री रही है, उस आदमी से पूछिए ना गीता कौड़ा से क्या मैंने दिक्कत हो रहा है, जो गीता कौड़ा से आप मैंने हिसाब ले रहे हैं। उसने बहुत काम किया है, जितना काम किया है ना, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछिए, वो झारखंड का मुक्ति मोर्चा लोग ने क्या काम किया है। उसने जो वादा किया था एक भी जमीन पर अगर स्तर पर उतारा है तो बताए। इसीलिए मैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ बोलो में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग साहब इसका जवाब आप लोग दीजिए, आपने जो काम किए हैं जनता को बताइए, हमको क्या बताने का जरूरत है। हमारा सरकार ने इतना काम किया कि आज कोई हिसाब नहीं है वो कितना काम किया है। रोड है, बिजली है, आज 10 साल में आपका घर घर में बिजली जला, उससे पहले कोई बिजली लाया था। एक प्रेस वार्ता हम लोग पार्टी की ओर से करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो जगन्नाथपुर में मंगल सिंह भगवान के द्वारा हमारे पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गीता कौड़ा का 25 वर्षों का काम का हिस्सा मांगने का बयान को लेकर के है। तो आज के प्रेस वार्ता में हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य श्रीमती मालती गिलुआ जी, और मुख्य रूप से आप लोगों को आज प्रेस मीट करेंगे हमारे चक्रधरपुर के पूर्व विधायक और लोकसभा चुनाव के सहसंयोजक श्री शशिभूषण सामंत जी। और आज के
प्रेस वार्ता में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगंडी जी और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे चक्रधरपुर विधानसभा के संयोजक सुरेश साहू जी, प्रेस वार्ता में चक्रधरपुर नगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष अशोक दास जी और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो आज की इस बयान को लेकर के हम हमारे चक्रधरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक से आग्रह करेंगे कि उस बयान को लेकर के आप अपना प्रेस मीटिंग लें। हमारे प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा के बारे में 25 साल का जो लेखा जोखा मांगा जा रहा है, ये जेएमएम का पेट में दर्द होना चालू हो गया है। इसलिए कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कामकाजी महिला है और सबसे बड़ी बात है पढ़ी लिखी है, समझती है। ये अगर जोबा मांझी अगर एमपी बनेगी इस क्षेत्र के बारे में क्या काम करेगी। जैसे हमारे पूर्व के वक्ता श्री शशि समट जी ने कहा कि ये तो जोबा मांझी से मांगना चाहिए 25 साल का लेखा जोखा कि उसने क्या काम किया अपने क्षेत्र में। उनका क्षेत्र जाके देखिए, ना सड़क है ना बिजली है ना कहीं आपका पुल पुलिया बनाया है। जेएमएम के लोग कभी इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास में सबसे बड़ा अगर बाधक है इस क्षेत्र का, इस कोल्हान का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस प्रदेश को क्या कितना बार बेचने का काम किया। कांग्रेस और जेएमएम एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक खरीदार है एक विक्रेता है। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कार्यकाल के पहले तक जो कि झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस वक्त इनका क्या था, एक खरीदता था एक बेचता था। आज श्रीमती गीता कोड़ा जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में कहीं भी वो आ जा सकती है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत मोहनपुर गांव में इनके साथ जो व्यवहार किया गया, ये हमको लगता है अभी जो तत्काल जो मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमको लगता है कि इसका पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया। तीर धनुष ये आपका हथियार डंडा ही क्या है, इस लोकतंत्र के इस महापर्व में इन चीज़ों का व्यवहार नहीं कर। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग से हम लोग मांग करते हैं कि इसके साथ जो व्यक्ति है उसमें जो कि आपका जेएमएम का जो पट्टा बांधा हुआ था वो खासकर आपका मुख्यमंत्री का व्यक्ति है, इसके ऊपर विशेष फोकस किया जाए लक्ष्मण टुडू करके और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से होनी चाहिए ताकि दोबारा जो है इस तरह का षड्यंत्र या इस तरह का किसी भी प्रत्याशी को कहीं भी आने जाने में बाधक ना बने और पुलिस प्रशासन उनको पूरा सुरक्षा प्रदान करे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश को विकास का पेपर का स्टेटमेंट क्या है, हमारे पूर्व विधायक गोगोंगा जी, मंगल सिंह गोगोंगा जी, आज हमारा माननीय संसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी से आज 25 साल का हिसाब मांगा, तो 25 साल का हिसाब मांगा है क्या वो बोलना चाहता है। 25 साल में जो उसने अपना काम किया, अपना एरिया में काम किया, एरिया में देखा है, लोग जानता है इसके लोगों का कौन होता है, मैं वो उनसे हिसाब लेने के लिए। लेकिन ये गलत है, आप जो उस दिन हम लोग का वहाँ मोहनपुर में जो हुआ निगम के साथ घटना जो हुई है हमारे प्रत्याशी के साथ में, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई, क्योंकि ये घटना
वो इसको उनका घर घर में जा कर के तीर तोड़ने के लिए वो नहीं गए थे। जब कोई भी अगर अपना लोकसभा में प्रत्याशी जा सकता है, अगर उनको इच्छा नहीं था, वहाँ आने का नहीं था, तो तीर धनुष लेकर के क्यों आने का था? और भी करदर हथियार भी लेके आए थे उन लोग। तो इन लोग ने झूठा इंजाम लगा रहे कि नहीं उन्होंने हथियार तोड़ा, हथियार मारे तीर धनुष तोड़ा। तीर धनुष क्यों तोड़े? आखिर आपको यहाँ कोई भी प्रत्याशी का प्रोग्राम होता है या मीटिंग होता है, वहाँ तो आपको तीर धनुष तो लेकर के आना नहीं है। ये तो कहीं भी नहीं बनता है। आप अगर तीर धनुष नहीं ले आ रहे तो आपके साथ ये आप क्यों लेके आए? मैंने आप इनको मरने का इच्छा था या इनके ऊपर में आप कुछ ना कुछ घटना घटाने के लिए हिसाब से ही आप आए थे? तो ये गलत है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का पर आप काफ़ी निंदा हम लोग करते हैं। और दूसरी बात है कि आज इन लोग हमारा लोकप्रियता को देख करके, और इन लोग हार तो रहे हैं, इसीलिए इन लोग ने बौखला किया है, या इन लोग सोच रहे हैं कि इनको कैसे भी मैंने इनको कुछ भी करके इनको हम लोग इनका प्रत्याशी पर या हम लोग लोगों को हम लोग बरगलाएंगे। लेकिन ये आपका कहने से लोग नहीं बरगला रहे, आपका काम को तो लोग जानते हैं। जेएमएम ने इस राज में क्या काम किया है वो बताए अपने अपने तो झारखंड को भी बेचा, आप सभी लोग जानते हैं झारखंड को कौन बेचा, झारखंड किसने दिया, और जेल भी शिबू सोरेन जेल भी गया था, जो कि कांग्रेस का सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भी कोयला घोटाले में जेल चले गए। मैंने इन लोग गलत तरीका इन लोग मतलब अफवाह कर रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा। उस समय भी तो आपका पिताजी को कौन जेल भेजा? भारतीय जनता पार्टी उस समय था क्या? देखिए बात कई तरह से कोई भी जगह पर इन लोग नहीं है। जनता जान चुकी है कि इनको हमको वोट नहीं देना है। 80 या 70 गांव जो इचार डेम में करकई में इन लोग ने विरोध किया है, विरोध करने से इन लोग का मन बकला गया है कि आपने वादा भी किए थे जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम इचार करके डेम को हम बंद कर रोक देंगे, बंद कर देंगे। आप वहाँ पर चंपई सोरेन का बेटा इस राज का अभी फिलहाल अब मुख्यमंत्री है, उनका बेटा वहाँ पर ठेकेदारी कर रहा है। और ये इन लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग इसको मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसको हम रोक देंगे। अरे कितना दिन ये हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी को ठगते जाइएगा? अब आदिवासी मूलवासी समझ गया है, और आदिवासी खास करके समझ गया है कि जेएमएम को कभी वोट देना ही नहीं है। आज इनका सरकार ने आज जर्जरा तरम में उस दिन हम लोग गए थे, अगला हमारे शुक्रवार इन लोग बोला है कि नहीं हम लोग बहिष्कार करेंगे। भाई हम लोग क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं? बोलते हैं यहाँ हम लोग का रोड नहीं बनाया। तो बोला अभी जो सरकार है मुख्यमंत्री है या पापा विधायक है तो उनसे आप बुलाइए उनको कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मेरा रोड क्यों नहीं बन रहा है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम करके यहाँ का जनता को दिखा दिया, और ये कांग्रेस सरकार ने इस देश आजाद होने के बाद 56 साल हो गया, लेकिन इसने कितना राज किया है? 60 से 65 साल। लेकिन क्या काम किया है अब सभी लोग को मालूम है। ना ये रोड था, ना बिजली था, ना और कोई मैंने जलमिनर था, ना पीने का पानी ढंग से था। आज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड या पूरा देश में उसने घर घर में पानी भी पहुंचा दिया, घर घर जल नल योजना किनका देन है? केंद्र सरकार का है। आप वहाँ भी सो लोगों को पानी घर घर में अभी पानी भी पहुंचा दिया, पी भी रहे हैं, बहुत सब पंचायत में लोग पी रहे हैं, कुछ कुछ पंचायत में अभी काम रुका हुआ है।
तो ये सब देख करके जेएमएम में सरकार को एकदम पूरा बकलाया हुआ है कि इसको हम लोग कैसे, इनको हम लोग कर तो नहीं पा रहा है, काम तो किया नहीं, झारखंड को भी बेचा, सब कुछ किया, तो फिर कहाँ इनका जगह बोलने के लिए, पब्लिक के सामने इनका कोई मने जगह ही नहीं है कि क्या ये लोग पब्लिक के सामने बात रखेगा। इसीलिए हमारा प्रत्याशी उधर जा रहा है तो इनको ऊपर में तीर धनुष से इनको फर कर रहा है या इनको मने